हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है मैंगो पराठा विद पुदीने की चटनी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से सबकी फेवरेट मैंगो से पराठा की रेसिपी। हैप्पी कुकिंग। मैंगो पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 मैंगो की पल्प, साथ में ले रही हूँ 2 कटोरी आटा। अब मैं आटे में मिक्स करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच चीनी। अब अपने मैंगो की खट्टा या मिठास के अनुसार इसमें चीनी का ऐड करें। ये पराठा ज़रा सा मीठा ही अच्छा लगता है। अब सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को एक साथ मिक्स कर ले एंड देन इसमें पल्प को ऐड करके मिक्स कर दे। ज़रूरत पड़ने पे आप थोड़ा और आटे का इस्तेमाल करें एंड इसे अच्छे से गून के एक सॉफ्ट डो बना लें। आटे को अच्छे से मैंगो पल्प के साथ गूंद लेने के बाद इसमें ज़रा सा तेल ब्रश कर दे एंड देन इसे ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ दे। तब तक हम यहाँ पे बना लेते हैं पुदीने की चटनी। सो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेरे गार्डन से ले रही हूँ फ्रेश पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते को अच्छे से धो के वॉश कर ले एंड इसमें ऐड कर दे स्वाद अनुसार मिर्ची एंड देन इसका एक फाइन पेस्ट बना ले। अब हम इस पेस्ट में ऐड करेंगे 1 बड़ा नींबू। अब इसमें मिला दे 1/2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल। सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर दें एंड ये हमारा पुदीने का चटनी रेडी है। आधे घंटे बाद हम आटे की डो को ज़रा सा गूंद लेते हैं एंड देन पराठों के लिए आटे का बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी इक्वल पोर्शंस पे आटे की बॉल्स को रेडी कर रही हूँ पराठा बेलने के लिए। सो अभी हम पराठे को आटे में डस्ट करके बेल लेंगे। याद रखिए इसे आपको ना ही ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा इसे पतला करना है। सो इसी तरह से मैं बाकी पराठे को भी बेल लेती हूँ। सो अभी एक फ्राई पैन गरम करके इसे हम सारे पराठे को रिफाइंड ऑयल की मदद से अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से।
मैंने यहाँ पे अच्छे से सारे पराठे को सेक लिया है। अब मैं इसे गार्निश करके अच्छे से सर्व करने वाली हूँ। इस मैंगो सीजन में आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।